हेलो गाइस, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल अवतार अडल्ट क्लियरिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने, ठीक है ना, जो क्लास सिक्स का टॉपिक है और सेवन में एट में भी आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ का, कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ का। तो एक होता है वेरिएबल का और एक होता है कॉन्स्टेंट का, दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो। अगर एग्जांपल का बात किया जाए तो एक्स वाई जेड एन एक्सेट्रा जो भी होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये वेरिएबल टर्म है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड ही रहता है, चेंज करते रहता है। और कॉन्स्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू जो हो क्या हो, फिक्स्ड हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले तो 2, 3, 4 एंड एक्सेट्रा, कोई भी नंबर जो फिक्स्ड हो, पता चलता हो कि इतना नंबर है जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। और कुछ ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल कॉन्स्टेंट का और कुछ सिंबल से, इसको क्या होता है, कनेक्टेड होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 2x + 3y + 6, तो ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ आप देखिए तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, टू कांस्टेंट और वेरिएबल एक्स है, इसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। फिर प्लस कुछ सिंबल से कनेक्टेड भी है, प्लस से कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी क्या है, वाई वेरिएबल और थ्री कांस्टेंट है, और ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म हो गया। तो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का वेरिएबल का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 2x² + 6xy + 7, तो ये भी क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब बात करते हैं कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, जैसे कि x² + 2x + 3 दे दिया क्वेश्चन में, और आपको बोले कि वैल्यू निकालना इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जहाँ x = 2 है एंड एक y भी टर्म इसमें ऐड कर देते हैं, y = 3 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये पुट करेंगे वैल्यू। तो x = 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा +2 × x का क्या वैल्यू है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, +3 हो जाएगा, +y हमारा क्या हो जाएगा, 3 दे रखा है तो 3, तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, इसको जोड़ने के बाद आ जाता है 14। तो ऐसे करके बना सकते हैं। और इसका 5 टाइप होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन का आपका 5 टाइप होता है। पहला हो जाता है आपका बाइनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल पहला हो जाता है। दूसरा हो जाता है बाइनोमियल। तीसरा आपका हो जाता है ट्राइनोमियल। चौथा आपका हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल एंड पांचवा आपका टर्म यहाँ पे लिख देते हैं, वो हो जाएगा पॉलीनोमियल। तो पांच टाइप होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है। और मोनोमियल क्या होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी जिसमें एक टर्म हो, ठीक है ना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन टर्म, एक टर्म, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि एग्जांपल अगर लिया जाए तो जैसे हो गया 2xy, इसमें देखिए एक टर्म है, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस माइनस से कनेक्टेड नहीं है, तो ये सिर्फ कांस्टेंट और y, ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और एक ही है टर्म है, ठीक है ना। बाइनोमियल का बात करें तो बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, कितना टर्म हो, तो दो टर्म हो कंटेनिंग कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें दो टर्म हो तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में